अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज हम फिर आए हैं शहर, और भाई अकरम हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अकरम भाई? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है आपका भाई। अच्छा, ये हमारे बहन भाई ना आपको बहुत याद करते हैं। मैं ताबेदार। हाँ जी, तो इनसे ना आज से ना हम इनसे गाने सुना करेंगे, ठीक है? नाते गाने, ये म्यूजिकल बंदे हैं, ठीक है? तो आज हम आए हैं, ये ना MP3 कार की जो लगी रही थी LCD, ये हो गई है खराब, तो इसको बनवाते हैं आज। और ये घर की शॉप के लिए ये सामान लिया है, कुछ जो है डिग्गी में रख दिया है जगह कम होने की वजह से। और भाई जो है इनका वेलकम। पर आए हैं तो यहाँ पर सारा सामान है, वो LCDयां लगी हुई हैं, तो यहाँ से उसको बनवा लेते हैं। LCD खराब हुई पड़ी थी, वो आप दिखाते हैं इनको, वो सेट करवाते हैं। बड़ी दुकान है वो वाली, ये बड़ी गाड़ी जा रही है। ये क्या है? कुची 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 कुची। प्यारे बहन भाइयों, अभी तक ये नहीं बनी क्योंकि कारीगर बोल रहे हैं कहीं गए हुए हैं, तो आज फिर चले हैं वापस, फिर किसी दिन आके इसको बनवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बहन भाइयों, अब हम घर पहुंच चुके हैं अपने, और मुझे जो है भूख लग चुकी है, अब खाना खाते हैं। ये मुखलिस साहब जी अपना काम कर रहे हैं हैंड फ्री लगा के, और हम खाना खाएंगे। किसी ने खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह करके हमारे साथ खा सकते हैं। अंडे छुपे हुए हैं अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर खाना है खाना तो बिस्मिल्लाह करें, अंडे हैं। प्यारे बहन भाइयों, खाना खाने का मज़ा तब आता है जब बंदा ऐसे बड़े बड़े दरख्तों के नीचे बैठा हो, हवा चल रही हो हल्की हल्की, और रोटी मौजूद हो और पानी भी मौजूद हो, तो क्या ही मज़ा है। अपना ये देसी माहौल है, देसी माहौल देखें, जैसे वो नहीं होता डेरादारी वाला, ऐसे डेरा बना हुआ है हमारा ये वाला, बहुत मज़ा आता है। आज हवा वैसे कुछ तेज़ है, देखें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। काफ़ी दिन हो गए थे आपको ना मौसम नहीं दिखाया था, आज आपको ना मौसम दिखाता हूँ, सही है ना? देखें मौसम चेक कर, ये जी मौसम साफ, ये हवा चल रही है बहुत तेज। प्यारे बहन भाइयों, दूध भी आ चुका है, खाना खाएंगे। अच्छा,
कुछ बहन भाई ना बोल रहे थे कि वो पता क्या होता है, जो जानते हैं ना वो हकीकत बता देते हैं। तो ये एक तजर्बा होता है, जब अगर मैं कोई चीज़ मेरी आंखों देखी हो वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आपको भी इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ नुकसानदेह है या अच्छी है। तो कुछ बहन भाई ना बोल रहे थे कि अंडे के साथ खाना खा के दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो बंदा गोरा हो जाता है। वो नहीं, वैसे गोरा नहीं, शक्ल जैसे खूबसूरत गोरी हो जाती है वैसे नहीं, दूसरा जैसे वो नहीं, ये बीच बीच में से ना बंदा चिट्टा हो जाता है, उसको हम तो बोलते हैं गदरा हो जाता है। तो आप बताएं क्या ये वाकई है ऐसा ही होता है या नहीं होता। तो अगर कोई बहन भाई ये चीज़ जानता है तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं तो अंडे के साथ और दूध भी साथ साथ पीता रहता हूँ, अंडे के साथ खाना भी खाता रहता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाई जो असलम खान है ना ये गदरा ना हो जाए, गोरा तो वैसे होना चाहिए बंदे को, अच्छा होना चाहिए, लेकिन गदरा नहीं होना चाहिए। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है। ओके हो गया, डन हो गया। तो जिस बहन भाई ने खाना है खाना तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। और इस्लामुद्दीन आ चुका है, और इस्लामुद्दीन का कज़न है एक, ये आपके सामने जो फोटो है ना पीछे नज़र आ रही है, ये इस्लामुद्दीन का कज़न है, इसी तरह का है बिल्कुल, आवाज़ भी इसी तरह की। इसके साथ में जो तोता बैठा है ना, ये दोनों तोते हैं। तो ये अकेला इस्लामुद्दीन की ऐसी आवाज़ नहीं है, हमारे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4-5 हैं ऐसी आवाज़ वाले जैसे इस्लामुद्दीन की आवाज़ है। ये यहाँ पर जो हम भाई रहते हैं ना, यहाँ पर एक इस्लामुद्दीन की ऐसी आवाज़ है, बाकी जो बहनें हैं ना उनके बच्चे भी ऐसे हैं कुछ, उनकी भी आवाज़ें ऐसी हैं खूबसूरत मज़े वाली आवाज़ें होती हैं। जब वो फ़ोन पे बात करते हैं ना तो बंदा कोई चोरी जैसे छुप के नहीं बात कर रहा था, ऐसे हेलो अस्सलाम वालेकुम, ऐसे आवाज़ें आती है जैसे इस्लामुद्दीन बोलेगा सलाम दुआ कर ले भाई ऊँची आवाज़ में। जोरदार लाओ ना। सुनाई दी ही नहीं आवाज़। वैसे आजकल ये मौसम चेंजमेंट की वजह से ना और ज़्यादा कम हो गई है आवाज़ इस्लामुद्दीन की। तो हमारा व्लॉग भी पूरा हो चुका है, अब हमें तो इजाज़त, मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। और ये जो तोता है ना सामने वाला, इस तोते ये पिक्चर वाला जो आपको नज़र आ रही है, तो इनके घर जाएंगे तो इससे ना किसी दिन मुलाकात आपकी कराऊँगा, फिर आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि इस्लामुद्दीन की अच्छी बात है या उसकी। ये दोनों तोते हैं एक जैसे ही देखे नज़र आ रहे हैं, देखे इस्लामुद्दीन को देखे उसको देखे एक जैसे ही माशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।